आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 2013 के फिजिक्स के पेपर की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो तक हमने 28 क्वेश्चन का अध्ययन भी कर लिया था और आज हम पढ़ रहे हैं 29 वा क्वेश्चन। देखिएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ संबद्ध श्रेणी LCR परिपथ के लिए फेजर चित्र खींचते हुए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। इसी के अथवा में एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था और वो दे रखा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। ये दो क्वेश्चन आए थे, दोनों अथवा में आए थे और ये सवाल आया था 1+3=4 नंबर का। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि LCR परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा। देखिएगा, ये एक LCR परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके दोनों सिरों के बीच में इस प्रकार से एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल E=E₀sin⁡ωt होता है लगा हुआ है। अब देखिएगा, इसको इस बात को मैं लिख भी रखा हूँ यहाँ पे। देखो, माना प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के मध्य चित्रानुसार एक प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा है जिसका विद्युत वाहक बल निम्न है और वो है E=E₀sin⁡ωt, समीकरण नंबर 1। क्लियर। आगे देखो, इन अवयवों में प्रवाहित धारा तथा उत्पन्न वोल्टता का सदिश चित्र निम्न है। देखिएगा, वैसे हालांकि ये ज़्यादा समझ में तो आपके वहाँ थ्योरी में आता, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप चैप्टर को पढ़िए ध्यान से। उस चैप्टर में आप 10वें चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तब ये बातें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल आप वहाँ जाएँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। देखिएगा, ये V₀R सदैव एक्स अक्ष की ओर होता है, आपको याद रखना है। V₀L सदैव वाई अक्ष की ओर होता है और V₀C सदैव जेड अक्ष की ओर होता है। तो V₀R के साथ में ही I₀R यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पर तीनों घटक हैं, इसलिए V₀R भी आया है, V₀L भी आया है और साथ में V₀C भी आया है। इस चित्र को हमने क्या किया कि हमने कल्पना की कि V₀L का मान V₀C से बड़ा है और जब V₀L जो कि ऊपर था उसका मान V₀C जो कि नीचे था उससे बड़ा हो तो ये बन जाएगा, ये परिणामी जो है वो ऊपर ही बचेगा और उसकी वैल्यू रहेगी V₀L - V₀C। यहाँ इधर है V₀R, यहाँ पर अब इन दोनों का परिणामी जो सदिश है वो ये बनेगा और वो है E₀√V₀R² + V² का होल अंडर रूट। क्यों? क्योंकि ये जो सदिश है इसका मान V₀R है, ये जो सदिश है इसका मान V है, तो इसका परिणामी रहेगा होल अंडर रूट इसका स्क्वायर साथ में इसका स्क्वायर। तो E₀ हो गया √V₀R² + V² जहाँ ये एंगल बन रहा है थीटा। देखिएगा, अब इसको प्रतिरोध के शिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V₀R = I₀R। प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V₀L = I₀ωL और धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V₀C = I₀ωC। क्लियर। अब चित्र से अगर हम देखें तो V₀L - V₀C हमने चित्र में लिखा है, तो ये V₀L V₀C की वैल्यू यहाँ से उठाइए आप, तो ये बन जाएगा V₀I₀ωL - I₀ωC या V₀I₀ωL - 1/ωC, समीकरण नंबर 2। मैं चित्र से बात करूं तो E₀ = V₀R + V₀। आपको बताया था कि ये जो E₀ है इन दोनों के परिणामी सदिश को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात ये V₀R + V₀ के बराबर रहेगा और इसका परिणाम जो है वो E₀ रहेगा होल अंडर रूट V₀R² + V²। या मैं कह दूं कि E₀ = V₀R (I₀R)² और V की जगह I₀ωL - 1/ωC². या I₀ मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा होल अंडर रूट R²+ωL - 1/ωC², समीकरण नंबर 3। या I₀ = E₀ / R²+ωL - 1/ωC².
ये होगा समीकरण नंबर 4। परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा रहती है I0 बराबर E0 बटे जेड। जेड यहाँ पर जेड प्रतिबाधा है, जेड इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि इस परिपथ में R भी है, L भी है और C भी है, तीनों होणों की वजह से यहाँ पर जेड आया है। तो जेड की जगह ये संख्या उपलब्ध है, यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5 की तुलना करने से, तो एल सी आर परिपथ की जो परिणामी प्रतिबाधा है उसका फॉर्मूला बनेगा जेड बराबर होल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर, और ये बन गया समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 एल सी आर परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा को व्यक्त करता है। ये बात तो हम समझ चुके हैं लेकिन इसके अथवा में एक और क्वेश्चन आया था, अब जरा उसका सोल्यूशन देखते हैं। और देखो सवाल था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, समझिए इसको देख के ध्यान से, ये भी रिपीट लगा रखा है मैंने, अर्थात ये भी किसी न किसी साल में रिपीट हुआ है, एग्जाम में दोबारा भी आया हुआ है। ये N और S दो शक्तिशाली ध्रुव खंड होते हैं, इनके बीच में A, B, C, D एक आयताकार कुंडली उपस्थित रहती है जिसके बीचों बीच एक शाफ्ट रहती है। इस शाफ्ट की सहायता से ये कुंडली घूम पाती है। जब ये शाफ्ट में ये कुंडली घूमती है तो साथ में देखो इस कुंडली के इधर यहाँ पर P और Q दो सर्पी वलय उपस्थित रहती हैं, यहाँ पर ये दो कार्बन के ब्रश रहते हैं और यहाँ लोड इसकी सहायता से जुड़ा रहता है। जब हम किसी अन्य मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से इस कोयल को यहाँ घुमाते हैं तो कोयल को घुमाने पर इसके अंदर प्रत्यावर्ती करंट अल्टरनेट करंट उत्पन्न होती है और वो अल्टरनेट करंट इस कार्बन बुश की सहायता से बाहर लोड को प्रदान कर दी जाती है। समझिए इसको देखो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में दो क्षेत्र चुंबक N व S होते हैं, इनके मध्य एक आयताकार कुंडली होती है जिसके घूमने की व्यवस्था होती है। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं, पहला है क्षेत्र चुंबक। देखिएगा जनित्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक उपस्थित होते हैं। छोटे जनित्रों में ये नाल चुंबक का उपयोग किया जाता है जबकि बड़े चुंबकों में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। नाल चुंबक का मतलब जो घोड़े की नाल होती है उस टाइप के चुंबक होते हैं ये छोटे जनित्रों में, तो और जो बड़े जनित्र होते हैं उसमें विद्युत चुंबक अर्थात ऐसा पदार्थ लगाते हैं जो कोयल के घूमने पर ही उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। आर्मेचर, उसमें जो हमने ABCD जो कुंडली बताई थी उसी को यहाँ पर आर्मेचर कहा है। देखिए आप चुंबक के ध्रुवों के मध्य एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। इसमें कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे की कुंडली लिपटी होती है, इस कुंडली को घुमाने की व्यवस्था होती है। थर्ड नंबर तीसरा पॉइंट है इसका, देखो सर्पी वलय या ब्रुश। देखो इसमें कुंडली के सिरों का संबंध दो तांबे के छल्लों पी तथा क्यू से होता है जिसे सर्पी वलय कहते हैं। प्रत्येक सर्पी वलय के ऊपर एक कार्बन का ब्रुश लगा रहता है। कार्यविधि, जब आर्मेचर को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य घुमाते हैं तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। माना कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल A है, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर होता है बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, या फाई बराबर हो गया बी ए कोस थीटा। यदि कोणीय वेग ओमेगा हो तो थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, या थीटा की जगह ओमेगा टी रख दो तो फाई बराबर हो गया बी ए कोस ओमेगा टी, और अगर इसमें एन फेरे हो तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाई बराबर हो गया एन बी ए कोस ओमेगा टी। तो फैराडे के नियम की मैं बात कर लूँ तो ई बराबर होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, या ई बराबर होता है माइनस का डी अपॉन डी टी एन बी ए कोस ओमेगा टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कोस का हो जाता है साइन, तो ये बन जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो एन बी ए ओमेगा के बराबर होता है, तो ई जीरो बराबर होता है एन बी ए ओमेगा, तो ये बन गया ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करता है या फिर व्यक्त करता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगले वीडियो में हम जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर उसका अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।